भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया 24/7 से खास बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की तलाश शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही यूपी की सड़कें गुजरात जैसी हो जाएंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी तो जो एनएच है और जो स्टेट हाईवे है उनका काम अटका पड़ा था। आपने 26 एनओसी दी हैं, तो अब माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट हाईवे थे या जो नेशनल हाईवे हैं उनकी हालत पूरी तरह से सुधरेगी क्योंकि अब केंद्र और यूपी सरकार में समन्वय है। देखिए, स्वाभाविक तौर से विकास के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, पहले भी मैं कहता था। और विकास का काम केवल इसलिए रुक जाए कि केंद्र में सरकार कोई और है, प्रदेश में कोई सरकार और है, यह देख करके मैं स्वयं हैरान हुआ था। और मैंने तत्काल, मतलब जो भी एनओसी प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, उसे पूरा करने का निर्देश दिया था। और मुझे खुशी है कि काफी हम लोगों ने निश्चित करके एनओसी उपलब्ध करा दिया है और जहां पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। और तेजी से उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग और भारत सरकार का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में, यह दोनों का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी और देश भर से आने वाले लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त। सर, एक कहावत है कि जहां पर विकास वहां भ्रष्टाचार। अभी तक अगर हम बसपा सपा की सरकार में देखें तो कुछ ऐसे अधिकारी वहां पर पनप गए थे। इनकम टैक्स की जो कुछ दिन पहले रेड हुई, आपने देखा कि कोई 2000 करोड़ का मालिक है और किसी के घर पे 10 करोड़ से ज्यादा रुपए निकलते हैं। तो सर, अभी तक इनकम टैक्स जब छापे मारते तभी इन चीजों का खुलासा होता है, तो क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, खासतौर पर नोएडा अथॉरिटी में और आपके पीडब्ल्यूडी विभाग में? देखिए, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तब से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तरह से कहिए कि युद्ध शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी है और यह सरकार भी यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहती है। जो भ्रष्टाचार के दृष्टि से कहीं से भी शिकायत मिलेगी या किसी को दोषी माना जाएगा तो उस मामलों की जांच होगी और जो आवश्यक कार्रवाई वो कार्रवाई भी की। क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, खासतौर पर नोएडा अथॉरिटी में और आपके पीडब्ल्यूडी विभाग में? देखिए, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तब से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तरह से कहिए कि युद्ध शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी है और यह सरकार भी यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहती है। जो भ्रष्टाचार के दृष्टि से कहीं से भी शिकायत मिलेगी या किसी को दोषी माना जाएगा तो उस मामलों की जांच होगी। चलिए, कल प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई, तमाम उसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम थे, उसमें से केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम के रूप में थे, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास का रोडमैप दिखाया कि कैसे विकास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने 26 ऐसी सड़कों की एनओसी दी है जो पिछले कई सालों से अटकी हुई थी, तो उनका कहना है कि अब मोदी और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास के कई रास्ते खोजेगी। दिल्ली से कैमरामैन नवीन के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।